मिस्टर अली, जिप लाइन ऑपरेटर। मिस्टर इलियास, जिप लाइन ऑपरेटर। मिस्टर सुहेब, जिप लाइन ऑपरेटर। मिस्टर हबीबुल्ला, जिप लाइन ऑपरेटर। अब मैं उन लोगों को मधु करूंगा जिनको बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। मिस्टर इरफान, मिस्टर नियाज, मिस्टर रिजवान, मिस्टर गुलफराज, मिस्टर शेर नवाज, मिस्टर इब्रार, मिस्टर अताउल्ला, और आखिर में मिस्टर उस्मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी वज़रा, चेयरमैन NDMA, जनरल इनाम, GOC, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप,
मेजर जनरल आदिल रहमानी, DGMO मेजर जनरल अवैस दस्तगीर, सिविल और अस्करी एहलकार, मकामी रेस्क्यू रजाकार और बटाग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े के मुतासरीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो ये लम्हा है कि हम इसको सेलिब्रेट करें और इस सेलिब्रेशन के लिए हमने आप सबको मधु किया। जब कल इस वाक़े की इतला सुबह सुबह मुझ तक पहुंची, मुझ समेत हर पाकिस्तानी जिस तक ये खबर पहुंची, ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, मुख्तलिफ ज़रा इब्लाग के ज़रिए, तमाम लोग यकसां तौर पे परेशान थे, यानी करोड़ों अफराद परेशान थे। और इस परेशानी के आलम में कुछ उम्मीदें थी, कुछ खदशात थे, कुछ खौफ थे। इसने एक डीप सेंस ऑफ प्रेशर जो है ना, उसको जनरेट किया। एक तरफ हमारे ये मुस्तकबिल के मेहमान, हमारे बच्चे ही तो मुस्तकबिल हैं, बच्चे ही तो कल हैं, बच्चे ही तो परसों हैं, बच्चे ही तो आने वाली नस्ल, आने वाले दिनों, आने वाले पाकिस्तान का चेहरा हैं। और कौन है? मैंने अपना वक्त, अपना लम्हा आपने गुजार के चले जाना है, इन्होंने हमें रिप्लेस करना है। यहाँ पे किसी अनवार ने खड़े होना होगा, वहाँ कोई अवैस बैठा होगा, वहाँ पर कोई आदिल बैठा होगा, इन्हीं में से है। हमने अपने कल के अवैस को बचाया, हमने अपने कल के अनवार को बचाया, हमने अपने कल के मुहम्मार को बचाया। इस प्रेशर के दौरान मैं चंद, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट टॉक करना चाहता हूँ। मैं, जितने साहिब औलाद हैं वो मेरी बात समझ सकेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। मुझे बार बार अपने बेटे का चेहरा मेरे जहन में आ रहा था। मैं कराची गया हुआ था और वैसे ये खदशा पैदा हो रहा था कि अगर मेरा नूर, हिज नेम इज़ नूरुल हक, वो इनमें होता तो मेरी क्या कैफियत होती। दिल बैठ जाता था, दिल बैठ रहा था और बार बार ये एहसास दिला रहा था कि ये भी तो नूर जैसे ही हैं, ये सारे नूर थे। और जूं ही चंद घंटे गुजरे, जाहिर है उसमें एंजाइटी भी थी, उसमें बेचैनी भी थी, और ये बेचैनी नेशनल लेवल पे थी। ये नहीं था कि ये इलाही में मसला था, या बटाग्राम में लोग परेशान थे, या पश्तून परेशान थे, या सिंधी परेशान थे, या बलोच परेशान थे, या पंजाबी परेशान थे, नहीं। जितने ज़ीशऊर इंसान इस खत्ते में मौजूद थे, जो मुल्क से बाहर भी ये खबर पहुंची, वहाँ पे भी लोग परेशान थे और दुनिया की भी नज़रें लगी हुई थी कि ये इस चैलेंज को कैसे नबरदाजमा होंगे, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। अब जब मैं DGMO साहब और जनरल आदिल से, इन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया, तो यकीन जाने मैं थोड़ी देर के लिए खुश हुआ कि शुक्र है कि मुझे पहले नहीं पता था। जिस तरह का बैकग्राउंड और जिस तरह की वेदर कंडीशन, जिस तरह का चैलेंज, अगर मुझ जैसे कमज़ोर दिल का फ़र्द इस प्लानिंग के अमल में होता, इस एग्जीक्यूशन के अमल में होता, तो हम शायद घबराहट से, खौफ से, कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली टू यू हु डिड एन इमैक्यूलेट जॉब, और इतनी सफाई से आप लोगों ने उसको प्लान भी किया, आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट भी किया। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल थे, और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले
उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए उनको क्रेडिट दूंगा। कहीं अगर खुदा ना ख्वास्ता इसमें कोई झोल आ जाता, कोई कमी आ जाती, तो बहुत बड़ा नुकसान होना था। अभी ये मेरे बच्चों से मैं बार बार ये पूछ रहा था, मेरे लिए ये हीरोज़ हैं। ये इसलिए हीरोज़ हैं कि वो 7-8 घंटे बार बार मैं इनसे एक ही सवाल कर रहा था कि ये क्या महसूस कर रहे थे, ये क्या सोच रहे थे, क्योंकि गुजर तो उन पे रही थी। हम तो बाहर बैठे हुए परेशान तमाशबीन थे, लेकिन थे तमाशबीन ही। गुजर इन 8-9 लोगों पे रही थी जो इस ऑर्डील से, इस क्राइसिस से फिजिकली उसका सामना कर रहे थे। हर एक ने मुझे कहा कि जी शुरू में डर लगा, मुझे उनके इस ईमानदाराना जो तस्लीम उन्होंने अपनी ज़हनी कैफियत की उसमें बड़ी खुशी हुई। एक तो ये कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे, और दूसरा पहलू उनका जो सच का सामने आया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा जब हमने दूर से फौजियों को देखा, हमने हमें ये लगा अब बच जाएगी। यही वो रिश्ता है, यही वो रिलेशनशिप है जो सोसाइटी और स्टेट के बीच में एस्टेब्लिश होना चाहिए। यही वो कोर्स ऑफ एक्शन है जो पाकिस्तान की फ्यूचर डेस्टिनी की तरफ हमें इकट्ठे होकर ले जाएगी। ये क्रेडिट न फौज का है सिर्फ, न PDMA का है सिर्फ, न लोकल अफराद का है सिर्फ, ये हम सब का इज्तिमाई क्रेडिट है। और इज्तिमाई क्रेडिट में हर एक ने, उस माँ ने जो TV को देख रही थी और सुबह का शायद नाश्ता बना रही थी और दुपट्टे को बार बार यूं करते हुए दुआएं दे रही थी, उसका भी क्रेडिट इसमें मौजूद है। इसमें उस वालिद का जो सुबह अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा रहा था और उसको ये खबर मिल रही थी और उसके कल्ब पे जो परेशानी गुजर रही थी और उसके दिल से दुआएं निकल रही थी, उसका भी क्रेडिट मौजूद है। यही वो दुआएं थी जो इकट्ठे होके ऊपर गईं। हमारे अकीदा का हिस्सा है कि फैसला आसमान पे होता है, इजहार उसका ज़मीन पे होता है। तो अल्लाह ने हम सब की इज्तिमाईयत के सेंस को देख के फैसला इनको बचाने का कर लिया था। ये लोहे महफूज में बचे हुए थे, लेकिन उस बचाव का इजहार ज़मीन पे इन लोगों से करवाया। हमें सिर्फ ये तौफीक दी कि हम आपकी तौसीफ कर सकें, हम आपकी तारीफ कर सकें, हम आपकी ताजीम के लिए, आपकी तौसीफ के लिए, आपकी तारीफ के लिए आज इकट्ठे हुए। हमारे यहाँ हमारी जिंदगियों में तल्ख वाक़यात भी वक्तन फवक्तन आते हैं। कल ही हमारे कई जवान वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। मैं इस मौके पे उन शुहदा को न सिर्फ जो कल के थे, बाकी भी हमारे जितने 70 या 80 हज़ार शुहदा हैं, वो चाहे सियासतदान हों, वो चाहे पुलिस सर्विस में उनकी खिदमात इस ममलिकत के लिए थी, वो चाहे पाकिस्तान के अफवाज से उनका ताल्लुक़ हो, वो पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका ताल्लुक़ हो, नेवी से हो, वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, वो जर्नलिस्ट हों, वो हमारे कलमकार हों, वो हमारे दानिश्वर हों, वो हमारे बेरोज़गार हों, वो हमारे बेकार हों, जो भी विक्टिम बना है, ये सब हमारे हैं। और ये तमाम लोगों के लवाइकीन को कम से कम मैं पाकिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे, जो कि रियासत की नुमाइंदगी करती है, ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वी विल नॉट फॉरगेट यू, हम आपको भूलेंगे नहीं। आप ऐसे ही हमारे अपने हैं जैसे हमारे खूनी रिश्ते, और ये खूनी रिश्ते हमसे जुदा हुए हैं। हमारा आपका एक बहुत बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये लफ्ज़ पाकिस्तानियत जो है, ये एक बड़ा जामे लफ्ज़ है।
इसके अंदर रियासत अपने लोगों को सिक्योर, रियासत अपने लोगों को रोज़गार फराहम करना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनको तालीम के मौके प्रोवाइड करना और उनको एक डिग्निफाइड ज़िंदगी का मौका फराहम करना, ये उसकी ज़िम्मेदारियों में से है। और इस ज़िम्मेदारियों को रोकने के लिए जो भी अनासर ये समझते हैं कि वो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी को बदल देंगे, वो हमारे अंदाज़े गुफ्तार को, हमारे अंदाज़े रहन सहन को बज़ोर शमशीर, बज़ोर बाजू, बज़ोर ताकत तब्दील कर देंगे, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। ऐसा इंशाल्लाह कतन नहीं होगा। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे, दिस इज होम। अगर उनको कोई खुशफहमी या गलतफहमी है वो दूर कर ले, और घर का नज़्म और निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के हाथ में। ये शहादतें कोई अपने प्यारों, जब उनके किसी के प्यारे दूर हों तो वो जो दर्द है वो शायद उसके मुतालिक हम बात तो कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। हम हमेशा कहते हैं हमारे 70,000-80,000 शुहदाए हैं, कोई शक नहीं है। इसके पीछे 80,000 बेवाएं हैं, इसके पीछे 80,000 वालिद हैं, वालदा हैं, बच्चे हैं, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, खाला है, मामू है, फूफी है, ये तमाम रिश्ते मौजूद हैं। और इन रिश्तों की जो दर्द की कमक है और वो रमक, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती, उसके मुतालिक बात ज़रूर की जा सकती है, लेकिन ये वो साहिब दर्द महसूस कर सकता है जो ख़ुद इस दर्द से गुजरा। तो हम इनके लवाइकीन के कर्ज़दार हैं, उन्होंने अपने आज को हम सब के कल के लिए कुर्बान किए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इनको तनख्वाह दी जाती है तो अगर उसके बदले में उन्होंने जान भी दे दी है तो ये उनका फ़र्ज था। तनख्वाह हम उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए देते हैं, जिस चीज़ के बदले में वो जान देते हैं उसके लिए हम उनको एहतराम देते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, हम उनकी तकरीम करते हैं, क्योंकि ये सौदा हर एक नहीं करता, ये सौदा हर एक नहीं करता, ट्रस्ट भी। जिसने अपने आप को इनलिस्ट करना है बता दे, अपनी जान देने के बदले में क्या इफ़ज़ाना चाहता है बता दे, मेरे जहन में कोई फिगर नहीं आती कि कौन सा इफ़ज़ाना होगा उसके लिए, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 10 खरब, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता मुझे यह है कि कोई इफ़ज़ाना है ही नहीं उसके लिए। उसके लिए एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसके लिए रिकग्निशन चाहिए। वी रिवर देम, वी रिस्पेक्ट देम। कुरान ने मुख्तलिफ लोगों, कौमों, रिश्तों के मुतालिक बात की, लेकिन उसने भी शुहदा को एक इंतहाई एहतराम से पुकारा, कहा इनको मुर्दा मत कहो, वरना तो मादी दुनिया से तो वो फना होके जले जाते हैं, लेकिन मना कर दिया कि ना कहो इनको मुर्दा, कहा तुम्हें शऊर ही नहीं है कि ये कौन से स्टेटस में है, ये कौन सी स्पिरिचुअल ट्रांजिशन में है, ये कौन सी रूहानी कैफियत में है, मैं इनको रिस्क पहुंचाता। ये वो लोग हैं जो मौत से भी नहीं मरते। रिस्क तो जिंदा को दिया जाता है, मरे हुए को तो रिस्क नहीं दिया जाता।
ये वो लोग हैं जो मर के भी नहीं मरते, जो मौत से भी नहीं मरते। तो हमें याद हैं ये जिंदा लोग हमारे, ये जिंदा जावेद लोग हमारे। सिले शहीद क्या है, तबो ताबे जावेदाना। यही वो तबो ताबे जावेदाना है जिसकी लड़ी में ये पिरो कर अपने आप को तो दायमी कर गए हैं और हमें मकरूज कर गए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान, ये महदूद वक्त है हमारे पास, हमारा सिर्फ काम यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को असिस्ट करने का है, इससे ज़्यादा का हमारा कोई मैंडेट नहीं है। कुछ दोस्त समझते हैं कि मैं इस मैंडेट से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको याद दिलाता चलूँ कि मैं निगरान वज़ीर आज़म के अलावा आई एम अ प्राउड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, सो आई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट एज अ सिटीज़न ऑल्सो। तो बतौर शहरी जो मेरी राय होती है उसका इजहार ना वो करने से हम किसी और को रोकते हैं, तो बराए मेहरबानी न मुझे रोका जाए। बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ बड़ग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज़ में तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर पूरी कौम परेशान थी, एक मुश्किल ऑपरेशन था जिसकी कामयाबी के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बनाई गई। पाकिस्तान हमारा घर है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। ताकत के ज़ोर पर अपनी बात मनवाने के ख्वाहिशमंद किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहें, कोई भी गलत फहमी में ना रहे, मुल्क महफूज हाथों में है। उनका कहना था कि इस ऑपरेशन को इंतहाई दुश्वारियों के बावजूद भी कामयाब बनाया गया। पाक फौज के अफसरान और जवान जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो यकीनन लायक तहसीन हैं।